झांसी में एक और बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई। पूरा मामला मऊरानीपुर तहसील के ग्राम घाट कोटरा का है, जहां लड़की की मां का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। यहां तक कि परिवारजनों को उनकी बेटी के मरने की खबर भी कई घंटों बाद दी। मृतका की मां ने बताया कि मरने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी से बात हुई थी। वो एकदम स्वस्थ थी। वो अक्सर फ़ोन पर बताती थी कि ये लोग उसे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित करते हैं, लेकिन समाज के डर से माँ उसे हमेशा चुप रहने को ही बोलती थी और ये दिलासा देती थी कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दहेज के लोग भी मासूम की जान तक ले लेंगे। आपको बताते चलें, मृतिका 5 माह की गर्भवती भी थी। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे जितने कानून ले आए, चाहे जितने नियम बना ले, या फिर दोषियों के लिए चाहे जितनी भी सख्त सज़ा का ऐलान कर दे, लेकिन ये दहेज के लोभी हैं। इन्हें कानून का भी कोई डर नहीं रहता। क्या नाम है आपका? ये जो बच्ची मृत्यु हुई है, कौन थी आपकी? दीदी। क्या घटना हुई है ये? उसके साथ मार डाल के गया है पूरे घर में। किसने? उसके पति ससुर उसका संतोष रहे को, उसकी सास है की सर रहे को, उसकी नंद है की स्नेहा रहे को। कब की घटना है ये? कल की। हमें सब पता नहीं है। उन लोगों ने 9 बजे खबर दी तो अस्पताल में डाल गए, बस हम लोग ने 9 बजे कुछ देर ने खबर दी। उन लोगों ने तो खबर तक नहीं दी है मेरी बच्ची। कल 12 बजे मेरी बच्ची से बात भाई, अच्छी तरह से बात करी, डिबेट करती है मेरी बच्ची। पेपर लिख रही थी, कह दी मम्मी हम पेपर लिख रहा है, मुझे जमा करना है। 5 महीना जिसकी पेट में बच्चा था और पेपर लिख रही थी जमा करने, थे पेपर लिख रही थी। 12 बजे बात हुई सबके यहाँ, सास के बात बताई और सास की कहने लगी कि ये तो मेरे घर में लक्ष्मी नहीं आई, लक्ष्मी आई है और पूरा इसका खर्चा नहीं हम कर पाएंगे। मम्मी ये लोग हमें परेशान करा तो हमने, हम तो मम्मी क्या करें, हम कछ नहीं करने बेटा, तो हम चुप राय का कछ ना पूछ ना जवाब ना दे करे। मम्मी अब हमारी तो बेटी संस्कारी थी, पढ़ी लिखी मोड़ी। शादी कब हुई थी? इसी 25 तारीख को, फरवरी, यही फरवरी का। और जो बताया बेटा ने कि हमें मम्मी 15,000 की साड़ी ली है, आज कफन हो रहा था हमारे बेटा का, साहब इसका इंसाफ दो। क्या नाम है आपका? जयराम जयपुर, पलिया की रहने वाली। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई कि खत्म बच्ची को मार के रख गए अस्पताल में, पेट में बच्चा भी था। कौन रख गया? संतोष पुष्पैन। कौन है ये लोग? ये है उनके पति पुष्पैन, ससुर हैं संतोष। आपको घटना की जानकारी कब लगी? हमें लगी 9:30। आप मौके पर आए तो कौन मिला यहाँ आपको? कोई नहीं मिला हमें मौके पर। आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? दी पुलिस को, गए थे रात में 11 बजे, पुलिस ने कहा कि वो सभी 9 बजे लिखवा के लाना। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में चल रहे 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां कृषि मंत्री ने पिता काट कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं विश्वविद्यालय में लगी प्रदर्शनी की 150 दुकानों का भ्रमण भी किया। प्रदर्शनी भ्रमण के दौरान मौके पर आर के पटेल सांसद, जिलाध्यक्ष रामकेश निषाद, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय उधम सिंह, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्रों ने अपने जो जो विशेष उपलब्धियाँ की हैं और जो खेती के तौर तरीके और तकनीकी का जो प्रयोग किया है, उसकी जानकारी वो यहाँ पर अपने स्टॉल के माध्यम से दे रहे हैं। यहाँ किसानों को जितनी भी किसान हितकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी दी जा रही है, उनके प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं जिससे किसान उसका लाभ उठा सकें। साथ साथ में जो है वो विविध प्रकार के खेती को कैसे कर सके, जैविक खेती, पशुपालन आदि, इन सब चीज़ों को करके और आमदनी कैसे बढ़ाया जाए मत्स्य पालन के माध्यम से और खेत तालाब के माध्यम से वर्षा जल संचयन करके खेती की सिंचाई क्षमता कैसे किसान बढ़ा सकता है, यह सब जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। उसमें से बहुत सारे किसानों ने अपनी विशिष्ट उपलब्धियाँ भी की, वह भी अपनी आत्मकहानी यहाँ पर सफलता की रख सकेंगे, तो उससे और किसानों का हौसला बढ़ेगा। सरकार उनके जीवन में बदलाव लाना चाहती है, उनको समृद्धि के साथ जोड़ना चाहती है और योजनाओं का कारगर तरीके से जमीन पर उतारना चाहती है, इसलिए किसान मेले का आयोजन किया। सर, देश भर के वैज्ञानिक आ रहे हैं, क्या बुंदेलखंड में एक ऐसा मेला लगाया गया? कई राज्यों के किसान भी आ रहे हैं। हमें कुछ राज्यों के किसान भी आए हैं,
वहाँ के वैज्ञानिक भी आए हैं, तो इसका लाभ यहाँ बुंदेलखंड के किसान भाइयों को मिल सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के आने की संभावना थी सर, उनका कार्यक्रम किस? आज नीति आयोग की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे और भारत सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री भी शामिल रहेंगे। इसकी वजह से मुख्यमंत्री जी आने का संभावना था, नीति आयोग की बैठक के कारण वो नहीं आ सके, क्योंकि ये तीन कई राज्य का था और डेट इसकी फिक्स थी। सर जो है वो नहीं आ, ये संभव नहीं हो पाया है। कल माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्चुअल माध्यम से इस किसान मेले को संबोधित। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। बरेली के एक चर्च की दीवार पर जय श्री राम लिखकर सांप्रदायिकता फैलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सदर मेथोडिस्ट चर्च के रेवे अल्बर्ट बेंजामिन पादरी द्वारा थाने पर चर्च की दीवार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जय श्री राम के नारे लिखकर सांप्रदायिकता फैलाने के विरोध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं SHO थाना सदर बरेली ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और ईसाई धर्म के लोगों को आश्वासन दिया कि इस घटना को अंजाम देने वालों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मौके पर संयुक्त ईसाई महासंगठन के प्रदेश महासचिव पादरी साइमन प्रसाद पादरी, रतनपाल पादरी, दिलीप कुमार, ग्लैडविन पादरी, पवन प्रकाश पादरी, रविंद्र सिंह पादरी, शिवम और सदर चर्च की कलीसिया के लोग उपस्थित रहे। जी, मैं पादरी साइमन प्रसाद, संयुक्त ईसाई महासंगठन का प्रदेश महासचिव। यह सदर मेथोडिस्ट चर्च में जो दीवार पर, सदर मेथोडिस्ट चर्च जो बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी दीवार पर जय श्री राम के नारे लिखे गए हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और शहर का की शांति को भंग करने के लिए जो प्रयास किया गया है संगठन द्वारा, AVPP के द्वारा, हम इसका घोर निंदा करते हैं और पूरा समाज, पूरा ईसाई समाज इसकी घोर निंदा करता है। यहाँ पर उपस्थित सारे पासवान सब इस बात से आघात है, इनके हृदय को आघात पहुँचा है कि हम किसी को, समाज को लेकर कोई आघात नहीं पहुँचाते, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहते, लेकिन उसके बावजूद हम शांति से प्रार्थना करते हैं और हमारे चर्च पर जो ये कार्य किया गया है ये निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम इस बात को लेकर जब SSP साहब के पास में आए हैं, जिस प्रकार से अभी पासवान हमारे पादरी साहब ने बताया है कि SSP साहब ने आज के पेपर में बयान दिए हैं कि ऐसा कुछ कारण नहीं हुआ है, जिसके सारे सबूत हैं, सारे एविडेंस हैं कि वहाँ पर दीवार पर लिखा गया है, वहाँ जाँच हुई है, उस पर दीवार पर जय श्री राम लिखा हुआ पाया गया है और मौजूदा अभी भी वहाँ लिखा हुआ मौजूद है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि हमारी ओर ध्यान दें, और यदि हमारी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ईसाई समाज उग्र प्रदर्शनों के लिए भी तैयार है और हर तरह से अपनी जो बात को रखने के लिए हम शासन प्रशासन से हर तरह से जितना भी हम उनसे सक्षम होगा, हम पूरे दम और खम के साथ में अपनी बात को शासन और प्रशासन के सामने रखने के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। क्या मामला है? ये हमारी बहन की शादी हमने अपने गांव के सुबह पड़ता है मुसाजाद थाने में, उसमें की अब से 10-12 साल पहले। हाँ, अब वो 1-1.5 साल हो गई, तब से गांव मेरी बहन को गांव किनारे छोड़ के भी लगाने नहीं आए। अब वो प्रताड़ित करते हैं कि मेरा भाई बगैर शादी से जाए कि इसकी ज़मीन मेरे नाम कराओ, इस कहने पर मेरी बहन ने मना कर दिया। बहन की इसी वजह से दिक्कत दे रहे हैं। ये दो लड़के आए, मेरी बहन के पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा वहीं उसी समय से रोक लिया, 1.5 साल हो गई वहीं घर पर है अपने पापा के पास, और एक बच्चा मेरी बहन के साथ रहा, मेरे घर पर रहता। बहन आपके साथ ही रह रही है? तो क्या थाने में कोई कार्रवाई कराई? थाने में मैंने कार्रवाई कराई तो पहले यहाँ देखिए फरीदपुर में, तो वो बांध लापदाई में कराई थी महिला थाना, तो वहाँ ये कहकर बुलाया गया, 1 तारीख को बुलाया गया, वे लोग आने को सहमत नहीं हुए। उसके बाद फिर दोबारा लोग आए भी तो वो अपने सभी पक्षीगणों को बुलाए, बोले मेरी माँ बहनें यहाँ नहीं आएंगी, आपको जो कर मिला सो कर लेना। उसके बाद मैंने पुलिस से कहा तो पुलिस रेणु थाना अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह रहे हैं कि आप अपना ऊपर कहीं देखें, मेरे बस की बात नहीं। कौन से थाने में ये बदायूं महिला थाना? क्या मैटर है आपका?
मैटर ये है कि 16 तारीख को 16 फरवरी 2021 को सदर मेथोडिस्ट चर्च जो 22 कैंट में स्थित है उसकी दीवार पर एवीपी संगठन के द्वारा जो कि जिला बरेली में स्थित है वहां पर एवीपी संगठन के द्वारा जो थे जय श्री राम के नारे चर्च की दीवार पर लिखे गए, जिससे कि जब 17 तारीख को चर्च के लोग वहां पहुंचे हैं चर्च में और उन्होंने पढ़ा आकर के गेट पर भी लिखा गया है तो काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हुए और हम सब लोग फिर थाने पहुंचे और थाने जब पहुंचे हैं सदर थाने में सदर थाना बरेली तो वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। हमारे चर्च की पूरी कमेटी वहां पहुंची थी जिसमें मिस्टर विलियम दिलावर, मिस्टर अशोक मसीह, मिस्टर क्लेरेंस पीटर, मिसेज लता पीटर और मैं स्वयं था और हमारे चर्च के जो जवान हैं वो भी काफ़ी सारे वहाँ पहुँचे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। फिर शाम को मैंने अपने समाज के एक संगठन को कॉल किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई और फिर वो संगठन शाम को आया और आकर के फिर हमारी उस सुनवाई को वहाँ पे करवाया गया। थानेदार मौजूद नहीं थे, संगठन द्वारा थानेदार साहब को बुलवाया गया और वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन दिलवाई गई और वहाँ पर फिर FIR दर्ज करवाई गई और रात को आकर के फिर पुलिस ने उस बात की जांच की कि ये सही है कि गलत। और जिस वक्त पुलिस वहाँ जांच कर रही थी तो पीछे से किसी शख्स ने वो फ़ोटो खींची हैं उनकी कि जांच करते हुए और उसको ला करके फिर उन्होंने हमको सेंड किया। मगर अगले दिन समाचार मिला है आज की तारीख में हमें आज के दैनिक जागरण में कि SSP महोदय द्वारा ये बयान दिए गए हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे, जो कि बेहतर नहीं है एक समाज के लिए। एक समाज को अछूता छोड़ा जा रहा है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो किया गया है। कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई, बल्कि उस शख्स को अरेस्ट करने की जगह जिसने ये काम किया है, LIU के एक इंस्पेक्टर साहब आए थे मेरे पास तो उन्होंने आकर के इस बात की जानकारी की और हमसे कहने लगे कि ऐसे मासूम और नादान बच्चों ने ऐसा कर दिया है। अरे ऐसे मासूम और नादान है, आपने ऐसे नादान और मासूम बच्चों को इस काम के लिए छोड़ रखा है? मासूम बच्चे ये काम कर सकते हैं? और इसके अलावा ना सिर्फ ये पूछते बल्कि मेरा पर्सनल मैटर पूछने लगे कि आप खाना कहाँ से खाते हैं, आपके परिवार का खर्च कहाँ से चलता है, आपको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, आपको सैलरी कहाँ से मिलती है। उस लेख से जो चर्च की दीवार पर लिखा गया और इस बात से जो सवाल वो मुझसे कर रहे थे, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। आज हम SSP महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए, उनका एक बयान हमारे पास आया अखबार में कि वहाँ पे दीवार पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए आज हम SSP साहब के सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने प्रार्थना पत्र को लेकर के कि उनके इस बयान से हमारा दिल बहुत ज़्यादा खेदित हुआ है, जो कि ऐसे बयान एक SSP साहब को नहीं देने चाहिए थे, जो कि बेहतर नहीं है। जबकि ये हकीकत है, पुलिस ने खुद जांच करी वहाँ पर कि ऐसा है और उसमें कहा गया कि FIR लगेगी उसमें कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। रिपोर्ट में दैनिक जागरण के जो समाचार पत्र आज का है उसमें ये दर्ज किया गया है। आज तारीख है 20 फरवरी 2021, आज के दैनिक जागरण में इस तरह का बयान SSP महोदय साहब का छपा गया है। आगे क्या करोगे? आगे सिर्फ हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनको अरेस्ट किया जाए, उनके साथ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाए। बरेली से KKD न्यूज संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।